नमस्कार। आज हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं नए तरीके से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। ज़रूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लिए हैं। 4 मीडियम साइज के आलू उबाल के और छिलका उतार के मैश कर लिए हैं। इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून अरारोट के आटा डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 प्याज को बारीक काट लिए हैं, अब इसको इसमें डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। जिस हिसाब से आलू है उसी हिसाब से नमक हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे तरीक़े से मिक्स कर लिए हैं। अब एक हम बाउल में तेल लेंगे, हाथों पे लगा के चिकना लोई तैयार कर लेंगे। जितना छोटा या बड़ा लोई तैयार करनी होगी उतना ही बड़ा लोई काटेंगे। इतना बड़ा लोई काटे हैं, इसको चिकना लोई तैयार करेंगे ऐसे ऐसे करके। इसको बीच में गहरा करेंगे ऐसे करके। अब इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, ये मुजरीला चीज़ है। इससे बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। अब इसको इसमें दबा दबा के भर लेते हैं। मुंह को ऐसे बंद करेंगे ऊपर के तरफ। देखिए ऐसे करके ऐसे बंद कर दिए। फिर से थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा लेंगे और बिल्कुल इसको चिकना करके, चिकना करके थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। अब एक प्लेट लेंगे, इसमें रखते जाएंगे। अब इसको प्लेट में रख दिए हैं। इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। सभी नाश्ता को बना के एक प्लेट में तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम पका भी लेते हैं। फ्लेम को चालू कर दिए हैं, उस पे तवा रख दिए हैं। फ्लेम हमारा मीडियम है। अब इस पे 2 चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसके जगह रिफाइंड तेल के भी यूज कर सकते हैं। इसको तवा पर चारों तरफ कर देंगे तेल के। तेल गरम हो गया है, जो इस पे अपने नाश्ता तैयार किए थे इसको रख देंगे। अब फ्लेम को मीडियम रखेंगे। चारों नाश्ता के अपने तवे पे रख दिए हैं, फ्लेम को मीडियम कर दिए हैं। अब इसको बिल्कुल क्रिस्पी बनाएंगे। अब फ्लेम को हाई कर देते हैं। आलू उबला हुआ है तो दोनों तरफ से 2-2 मिनट सेक लेते हैं। अब 2 मिनट हो गया है, अब अपने ब्रेकफास्ट को पलट लेते हैं। वाह, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। सारे ब्रेकफास्ट को पलट लेते हैं। सभी ब्रेकफास्ट को पलट दिए हैं। अब इधर से भी हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक इसको क्रिस्पी कर देंगे। 2 मिनट हो चुका है, इधर से भी पलट लेते हैं। आप फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा नाश्ते बन के तैयार हो गया है। इसी तरह सारे पलट देते हैं, आप फ्लेम को बंद कर देंगे। सारे ब्रेकफास्ट को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी और यमी यमी दिख रहा है। कितना यमी यमी बना है, देखिए कितना अंदर तक चीज भरा हुआ है। नाश्ता तो आप बना ही होंगे, ऐसा नाश्ता नहीं बनाए होंगे, तो जरूर बनाइए और खाइए। अब इसको गर्मा गर्म दही के साथ खा लीजिए, चाहे टमाटो सॉस के साथ खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ता तो खासकर बहुत स्पेशल है। 5 मिनट में बन जाता है बिल्कुल। तो जरूर बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।